Oh, good looking shot. Beautiful. Bowler half volley. It's amazing how the sting from the surface can disappear. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो कोशिश करेंगे वो ये है कि एक तो ये है कि जो मेरा अपना स्टांस था, मैं कैसे खड़ा होता था, एक वो आपको बताऊंगा। अपना ड्राइव, कवर ड्राइव मारनी है तो वो कैसे मारनी है, हमारा वेट कहाँ होगा, हमारा हेड पोजीशन कहाँ होगी और बॉल हमने कहाँ मीट करना है बैट के साथ। मैं इस तरह खड़ा होता था, बैलेंस दोनों इक्वल खुली हुई हैं, कुछ ज़्यादा ना इस तरह हूँ ना मैं ज़्यादा इस तरह हूँ। बॉलर भागता था तो मैं ये खड़ा हो जाता था ऐसे। अब मेरा बैट भी ज़्यादा यहाँ नहीं है, बैट भी मेरा नॉर्मल हाइट पर है, जब खेलना है उस वक्त जाएगा। दूसरा ये है कि अब कवर ड्राइव खेलनी है हमने, उसके लिए एक तो ये है कि हम ये पिछला हाथ यहाँ रख लेंगे तो इसको हम यस, जब ऐसे गए तो क्या हुआ, सर करीब हो गया तो ऐसे उठा लिया। कैसा, ईजी है? ऐसे गए फिर यहाँ रख दिया तो हेड के नीचे खेला, यहाँ ड्राइव मारेंगे। जितना ये वेट आ जाएगा हमारा ऊपर बॉल के, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जेंटल पुश भी करेंगे वो बहुत तेज़ फोर्स मिलेगी, पीछे से फोर्स आ रही होगी इस बॉडी की। तो हमने ये कोशिश करनी, अब ये स्ट्रेट ड्राइव मारना है तो उसमें भी आपने यूँ जाना है स्ट्रेट ड्राइव पाँव के सामने। तो ये हमें क्या है, हमारा वेट ऊपर आ जाएगा, हेड के नीचे खेलेंगे, जितनी परफेक्ट शॉट मारेंगे उतना आपको मज़ा भी आएगा, आपके लिए आसान भी होगा और उस शॉट में पावर भी बहुत ज़्यादा होगी। ज़ोर से मारने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोग ओपनर हो, हल्का हल्का गेंद स्विंग भी हो सकता है, नया बॉल होता है तो ज़ोर से मारने का अक्सर डर होता है स्लिप में ना चला जाए, तो जितना जेंटल टाइम करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये दोनों ड्रिल इसलिए है कि हम परफेक्ट, हमारा वेट जो है वो अच्छा ट्रांसफ़र हो जाए, कवर ड्राइव के लिए यहाँ आ गए। ठीक है, अब मैं आपको बैट के साथ भी करके दिखाता हूँ। मेरा वेट जो है दरमियान में है, न्यूट्रल सिचुएशन में, यहाँ से आगे भी जा सकता हूँ पीछे भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी हम कवर ड्राइव मार रहे हैं। अपना ये बॉल मिल गया यहाँ तो क्लोज बॉडी खेलना है, ये देखो, ये पिछला पैर भी देखो टोज पे है, ये भी उस तरफ है जिधर शॉट खेल रहे हैं, ये टोज भी अगर इस तरह खेलेंगे तो वो नहीं सही लगेगी, इस तरह ये बैलेंस, सारा बैलेंस भी है, वेट ट्रांसफ़र भी सही है, बॉल अंडर द चेन है, राइट बैक यहाँ से आपका बैट आएगा बिल्कुल बॉडी के करीब से, ताकि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपने खेलते जाना है उसमें हमें परफेक्शन ज़्यादा चाहिए होती थी। तो अभी से हम इस पर काम करेंगे तो आगे हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, अब स्ट्रेट ड्राइव के लिए भी ऐसे ही है सारी चीज़ें, आप खड़े हैं, आपका स्टांस है, बॉल आ गया, आप करीब आए बॉल के, बिल्कुल अंडर द चिन लिया, यहाँ से आपने ये खेलना सीधा ऊपर ही है, इस तरह जाएंगे तो ठीक नहीं है, ये आप बहुत ज़्यादा गैप बन जाएगा। कई दफ़ा देखें कई प्लेयर्स के बैट बाहर से आते हैं, वो यूँ खेलते हैं, अंदर से गैप बन जाता है, स्लिप लग जाती है। कोशिश करनी जितना बैट आपकी बॉडी के करीब से आए, अंदर से आए, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप भी कर लें। हेड आ रहा है ना, हेड ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब खेल के देखो, अब ये देखिए ये दोनों शॉट्स जो खेले आपने, बैलेंस सही था, फुटवर्क सही था, बॉल अंडर द चिन खेले हो, बैट पूरा बैक पीछे से आया, इसलिए परफेक्ट सामने भी गई है, इधर भी गई है, आपको भी मज़ा आया होगा इसका। तो जितना हम कॉम्पैक्ट क्रिकेट खेलेंगे उतना फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें जब आप टेक्निकल साउंड होते हैं ना तो प्रेशर में और आसान भी हो जाता है, क्योंकि आपकी टेक्निक सही है, जैसे बॉल आपको मिलेगा आप पोजिशन बना लोगे। कई लोग कहते हैं यार इसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ है, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं जैसे ही बॉल हाथ से निकलता है। ये बेसिक्स में है कि जैसे ही रिलीज़ होगा बॉल आप पोजीशन बना रहे हैं, जैसे बॉल रिलीज़ हुआ आपको लगा कि यहाँ है बॉल, आप आए, अब देखो पोजीशन बनी हुई है, यहाँ चौका, तो ये क्या है आपके रिफ्लेक्सेस हैं,
कि आपने फोर ही पोजीशन बना ली, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ये बॉल थोड़ा इधर ले लिया तुमने, इधर होना चाहिए, दोबारा आओ, इसलिए उधर चली गई, सीधी जानी चाहिए। हाँ मच बेटर, मच बेटर, ये बैलेंस गुड, वेरी गुड। पिछला पैर भी देखो अपना, ये जब आप यूं खेलेंगे ना रुक जाएंगे, जब आप यूं चले जाएंगे फिर बॉल के ऊपर आ जाएंगे, तो ये इसीलिए बैलेंस भी सही था, बॉल अंडर द चेन था, बैट पूरा पीछे से आया था, वो बिल्कुल परफेक्ट लगी है, सामने वाली भी बेहतर लगी है। मैं इस अपनी कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव या ऑन ड्राइव जो भी शॉट्स हैं उनको सही करने के लिए पुल कट, उसके लिए मैं ये प्रैक्टिस करता था, लेकिन कवर ड्राइव के लिए ये मेरी रोज़ाना की प्रैक्टिस होती थी, ताकि मेरी चीज़ें परफेक्ट जाएं, मेरा बैलेंस, मेरे हेड पोजीशन, मैं बॉल को देखता था आखिरी टाइम तक हाथ से निकलने के कहां आ रहा है, अगर आगे तो मैं आगे चला जाता था। अगर आप देखें तो मेरी कवर ड्राइव बेस्ट थी जो मैं खेलता था। हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो उसका जब आप ये प्रैक्टिस रोज़ कर रहे होते हैं तो आपके मसल मेमोरी में चीज़ें आती,